प्रिय दोस्तों, हमारे भारतवर्ष के बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों, मैं आपका सेवक हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैंने गौतम सिद्धार्थ बुद्ध से सीखा है कि प्रेम ही जिंदगी है। सबसे जो बेशकीमती बहुमूल्य वस्तु है संसार में, प्रेम है। पोथी परिपरि जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसीलिए प्रेम ही जीवन है, इसीलिए मैं आप सबों से बहुत प्यार करता हूँ। आप मनुष्य हैं, लेकिन मैं, अगर आप ज्ञानवान नहीं हैं, विचारवान नहीं हैं, बुद्धिमान नहीं हैं, आपके दिल में करुणा दया स्नेह नहीं है, अगर आप सत्य न्याय प्रेम शांति के अहिंसा पर नहीं चलते हो, तो मैं आपसे थोड़ा दूर चला जाऊँगा। क्योंकि जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया स्नेह के रास्ते चलता है, और जो ज्ञानी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो काम क्रोध मद लोभ में लिप्त रहता है। ईर्ष्या द्वेष कलह से उसका जीवन क्रोध और अहंकार में रहता है, और जिंदगी में केवल वो एक जहरीले नाक की तरह दुनिया को जलाता है। लेकिन आपसे बेहद प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। आप गुरु की महिमा जानते होंगे। गुरु गोविंद दो खरे, का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गुरु गोविंद दियो बताए। तो आप अगर जिंदगी में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, चैन चाहते हो, तो एक अदृश्य गुरु हो सकते हैं, जो विवेकानंद और भगवान बुद्ध जैसे लोग हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई साक्षात व्यक्ति हो मेरी तरह, तो आप किसी एक व्यक्ति को खोज लो। वो कबीरदास हो, तुलसीदास हो, सूरदास हो, या कोई ऐसा महान व्यक्ति जो अपने को उन छवि वाला बनाया हो। जैसे मेरे जीवन में मेरा परम गुरु है, जिनका नाम है गुरुदेव, मानव रत्न पद्मभूषण डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी। उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके समर्थन से मेरा जिंदगी धन्य हुआ है। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। इसलिए सुनिए, सीहन के नहीं ले रहे हंसन की नहीं पात, सीहन के नहीं ले रहे हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चलत जमात। तो ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे महान गुरु को बहुत खोजना पड़ता है। हमारे जो परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद हुए, इतने महान क्यों बने? उनके गुरु थे परमहंस, उन्होंने उनमें इंड्यूस किया, उनमें वो जागृति पैदा की, उनकी चेतना को झकझोर के सोए से जगा दिया, और वो बन गए महान जगत गुरु स्वामी विवेकानंदा, जो पूरे विश्व में देश की गौरव गरिमा, प्राचीन भारत की सभ्यता संस्कृति से बचा के साबित कर दिया कि कोई अगर विश्वव्यापी धर्म है, यूनिवर्सल रिलीजन है, वो है हिंदुत्व। जहाँ बोला जाता है आत्मसर्वभूतेषु सर्वभवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम्, ये नारा लगाया उन्होंने। तो आप जान लीजिए, ऐसे गुरु की तलाश करिए। गुरु की तलाश करने से आपके जीवन में धन्य हो जाएंगे, और एक ही मिलेंगे, बहुत नहीं मिलते हैं। याद रखिए, शेर एक ही होता है, लेकिन भेड़िए, बैल, गाय, भैंस, तेलुगु में मैके गुरे बड़े बोलते हैं, असंख्य मिल जाएंगे। इसलिए गुरु एक ही होता है, बहुत नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु बनने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी साधना से, धारणा धारणा शादि से समाधि मिलती है। इसीलिए गुरु की तलाश करना आपका प्रथम उद्देश्य है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, बिना गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं? तो इसीलिए गुरु की तलाश करिए, और दिन रात अपने को कामयाब बनाए, जिसे हम स्किलफुल मैन बोलते हैं। कभी भी लोभ लालच से दूर रहिए, काम क्रोध मद लोभ मोह को सदा के लिए अपने जीवन से दूर कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसा जहर है जो आपको बहुत छोटा बना दे। आप असंख्य पापों में फंस जाएंगे। लोभ ऐसा है जैसे मधुमक्खी, जो शहद होता है उसमें शहद चखने के लिए फंस जाती है और मर जाती है, चींटियां मर जाती है। लोभ लालच को छोड़ दीजिए, वो माया का जंजाल है, सबसे बड़ा पाप है लोभ। और सबसे बड़ा जीवन में ज्ञान का स्रोत होता है गुरु। आपका धन्यवाद करता हूँ, और आपके जीवन में असंख्य शुभ कामनाएं देता हूँ, जिससे आप मुस्कुराते रहिए। योगी वीरेंद्र योगी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। थैंक यू।